नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सेशन 2022, जैसे कि मैंने स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस डाल दी थी। तीन कमेंट्स जो मुझे प्रॉब्लम आप तमाम स्टूडेंट की दिखी है। पहली प्रॉब्लम SC ST कैंडिडेट की, काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि सर कि हमारे जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उमंग ऐप के थ्रू आप अपने अमाउंट देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट डाउट में थे कि सर हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है हमें नहीं मिली है, PFMS के थ्रू जो अमाउंट है हमें काफ़ी कम मिली है। और साथ ही साथ काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये थी कि सर हमारा जो टोकन नंबर है PFMS के द्वारा जनरेट हो चुका है, लेकिन हमें स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिली है। जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट डाउट है यहाँ पे उन स्टूडेंट का, जिनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर वेरीफाई दिखा रहा है, तो क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तीनों चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं ऐसी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ और मैंने कहा है कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इससे रिगार्डिंग, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल रिगार्डिंग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। सबसे पहले बात करते हैं SC ST कैंडिडेट की, तो ध्यान देना स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट का आपको यहाँ पर फॉर्म दिखा रहा हूँ। तो जो इसके एक्चुअल अमाउंट है यहाँ पे आप देख रहे होंगे 30,300 रुपये हैं, लेकिन जब PFMS में हम इसको ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट है 12,120 रुपये दिखा रहा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये आ रही होगी, तो उन स्टूडेंट से मैं रिकमेंड करूँगा, डोंट बी पैनिक स्टूडेंट। जो आपको स्कॉलरशिप है दो प्रकार से मिलती है, जिसमें 70% स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% का अमाउंट आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो बाकी जो अमाउंट यहाँ पर बची है 30,000 में से जो 12,000 मिल चुकी है और बाकी जो अमाउंट मिली है उसका पैसा आपको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। एक्चुअल में उस पैसे में आपको 1-2 या 3 महीने डिले करना पड़ेगा, मे बी मई या जून तक आपको अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। आपका जो मनी है यहाँ पे सेफ है, जो अमाउंट आपको उमंग एक में दिखा रहा है एक्चुअल में हुई अमाउंट आपको यहाँ पे मिलेगी। और जो ये स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा ट्रैकिंग करके SC ST कैंडिडेट को, तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा ये पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है और बाकी जो पैसा है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। और जो एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूँ, मई या जून के मिड में आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। आई होप SC ST कैंडिडेट का यह डाउट क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड डाउट उन स्टूडेंट का था जिनका टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। उन तमाम स्टूडेंट से मैं रिकमेंड करूंगा, आप PFMS के द्वारा जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अमाउंट जो ट्रैकिंग का होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे ट्रैक करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके द्वारा जब आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बता देगा कि कब आपका अमाउंट क्रेडिट हुआ कब नहीं हुआ। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपका अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे जो फेलियर का ऑप्शन है यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट से रिकमेंड करूँगा, अगर बाय चांस आपके जो यहाँ पे क्रेडिट डेट दिखा रहा होगा और आपके स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए, तो आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना, हुई आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। आई होप ये दोनों डाउट मैंने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब उन बात करते हैं उन स्टूडेंट की, जिन स्टूडेंट का फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर वेरीफाई दिखा रहा है और टोकन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, उन तमाम स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप वेट कर लिए। जब तक आपका टोकन नंबर यहाँ पे PFMS के द्वारा आपका जो स्टेटस है एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट नहीं आ जाता, तब तक आपको स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलेगी। डोंट बी पैनिक स्टूडेंट, अप्रैल लास्ट तक आपका ये जो ऑप्शन है PFMS फॉर पेमेंट का आ जाएगा। अनदर क्वेरी आपकी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरा चैनल अपडेट बाय नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।